हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि देखिए, जैसे आप घर में जो ये नल लगाते हैं, ये पहले तो वैसे पीतल का चलता था जो कि देखने में स्टील जैसा लगता था, लेकिन आजकल महंगाई के कारण इस वजह से अब क्या होता है, घर में ऐसे प्लास्टिक के ये जो फाइबर के टोटी ऐसे लगते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो इसकी कीमत जो है 50 से 60 रुपये का है। तो जैसे अब ये ख़राब हो गया है, तो पहले जो पीतल का होता था उसमें क्या होता था कि ये हम इसका फेस बदलते थे। तो इसमें ऐसा है कि अगर हम इसका फेस बदलते हैं तो इसमें क्या होगा कि जितने का टोटी है उससे भी ज़्यादा खर्च फेस बदलने में लगेगा, क्योंकि ये इसका जो फेस आएगा वो 40 से 50 रुपये का आएगा, और प्लम्बर आएगा वो भी जब एक टोटी भी बदलने आ जाएगा तो कम से कम उसको 1 घंटा ख़राब होगा तो उससे भी 100 रुपये देना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या होगा कि 100 से 150 रुपये का खर्चा आएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप 60 रुपये का ये जो टोटी है नया फाइबर का या प्लास्टिक का जो भी है, तो ये आप खुद ला करके और खुद बदल सकते हैं। और बदलने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप खुद कैसे बदलेंगे। देखिए, जैसे कि ये टोटी ये ख़राब हो गया है, ये देखिए इसका जो ये है ख़राब है, तो पानी नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अगर आपका ये जो टोटी ख़राब हो गया तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा वहाँ जहाँ से कि टैंक से पानी आ रहा है। तो आप जब टैंक के पास जाओगे तो वहाँ देखिए ऐसा लगा रहेगा, ऐसा ये चीज़ लगा रहता है वहाँ टैंक के पास, जिससे कि आपका पानी का जो ऊपर से सप्लाई आता है वो बंद और चालू करने का होता है। तो सबसे पहले आप टोटी बदलने से पहले क्या करेंगे, आप टंकी के पास जाकर ऐसे बाल्ब को बंद कर देंगे इस तरह, ये देखिए यह इस तरह से जब बंद हो जाएगा तो इस टोटी में जो है पानी आना बंद हो जाएगा। तो जब तक पानी बंद नहीं होगा आप इसे नहीं बदल सकते, इसलिए सबसे पहले आपको ये काम करना है, बॉल बंद करना है टंकी के पास जा करके, और बंद करने के बाद यहाँ पानी आना बंद हो जाएगा, फिर आप टोटी बदलने का प्रोग्राम जो है वो चालू करेंगे। तो देखिए आप कैसे खोलेंगे, यह देखिए आपको सिर्फ एक घरेलू काम के लिए एक पाइप रिंच रखना पड़ेगा, यह देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह इस पाइप रिंच से ये बिल्कुल आसानी से खुल जाता है। यह देखिए इस तरह आप लगाएंगे, यह देखिए एक चूड़ी खुलने के बाद आप इसको आराम से हाथ से भी खोल सकते हैं। यह देखिए ये खुल गया, यह देखिए ये खुल गया। अब हमें ये टोटी ख़राब है तो इसको हटाना है और दूसरा टोटी लगाना है। तो दूसरा टोटी हम कैसे लगाएंगे, यह देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह देखिए अब ये दूसरी टोटी है, वो टोटी जो ख़राब है ये अब हमें बदल के नया लगाना है क्योंकि वो हो गया ख़राब। तो ये देखिए आप ये टोटी लीजिए, उसके बाद इसमें आपको लगाना है ऐसा धागा, यह देखिए ये कच्चा धागा आता है, ये हार्डवेयर की दुकान में मिलेगा, जहाँ से आप टोटी लेने जाएंगे वहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको इसमें इस तरह से लपेटना है। यह देखिए ये इसलिए लपेटना पड़ता है कि ताकि पानी लीक ना हो, यह देखिए इस तरह से लपेट दीजिए, यह देखिए। उसके बाद फिर आप इसमें उसी तरह से इसमें कस दीजिए, यह देखिए ऐसे जैसे आपने खोला था हाथ से वैसे ही पहले हाथ से कस दीजिए जितना कस सके। उसके बाद जब एंड पोजीशन पे पहुंचेगा तो आपको पाइप रिंच से टाइट करना है ताकि वो फिर कभी लीक ना हो। यह देखिए अब हम इसको पाइप रिंच से टाइट करेंगे, यह देखिए इस तरह से करेंगे, यह देखिए अब ये हो गया सीधा। यह देखिए आप सीधा देख करके थोड़ा लगाएंगे, जैसे थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो इसको आप सीधा कर सकते हैं 19-20, जैसे ये अभी तो ये सीधा है, अगर मान लें टेढ़ा हो जाए तो उसको आप सीधा कर सकते हैं पाइप रिंच से ही। अब ये पूरा अच्छी तरह से टाइट हो गया, यहाँ से पानी लीक नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो आपका पैसा इसमें बहुत काफ़ी बच जाएगा, और खुद ही बदल सकते हैं, किसी प्लम्बर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि वो कहीं और है, कहीं काम पे है तो 2 घंटे में आएगा, 4 घंटे में आएगा, ऐसा नहीं है। आप बल्कि ऐसा टोटी अगर आपका मकान है अपना, तो ऐसा टोटी बल्कि घर में 1-2 एक्स्ट्रा हमेशा रखना चाहिए, ताकि कभी रात में टूट जाए, कभी दिन में टूट जाए, कभी भी टूट जाए, आप खुद बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।